तो सब जबरदस्त ट्रैक्टर एक्सीडेंट सीरीज का नौवां पार्ट है और इसमें भी हमारे पास काफी सारे ट्रैक्टर एक्सीडेंट के वीडियो है और इसमें भी कुछ काफी खतरनाक तौर बार की तरह कुछ फनी वीडियो भी है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपको सीखने को मिलता है कैसे ट्रैक्टर चलाना चाहिए, लेकिन एक्सीडेंट सीरीज से आपको सीखने को मिलता है कैसे ट्रैक्टर नहीं चलाना चाहिए। तो आपका कीमती टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। चैनल को तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रख लिया है, वैसे भी बिना टिकट के शो देखना अच्छी बात नहीं है ना। वैसे हमारा शो फ्री है, नहीं सब्सक्राइब करना चाहते तो कोई बात नहीं, वीडियो पसंद आया तो बाद में कर लीजिएगा, उसमें कहां पैसे लगते हैं, और फिर साथ में लाइक तो बनता ही है। तो सबसे पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। अब यहाँ पर पता नहीं क्यों उन्होंने बिना ट्रॉली को अलग किए ही ट्रैक्टर को खींचना सोचा, ऐसे में तो ये होना लाजमी है। वो जो बंदा आयशर के टायर पर खड़ा था वो बेचारा ऐसे पीठ के बल गिरा कि अगली बार 100 बार सोचेगा ऐसा करने में, और तो और उसने गिरने के बाद ट्रैक्टर को पकड़ने की कोशिश की। हम जैसे तीली तोड़ते हैं वैसे ही ट्रैक्टर के टायर को हमारा हाथ तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है, लेकिन उसकी जगह अगर हम होते तो हम में से भी ज्यादातर शायद यही करते। एक तो ऐसा बुरी तरह गिरने के बाद हमारा दिमाग जल्दी से सही फैसला नहीं ले पाता है, तब उससे जो सही लगता है वो करता है। बाकी इस पर आपकी जो राय है वो कमेंट जरूर करें। और ये दूसरे वाला भाई साहब तो बड़ी चालू चीज है, वो तो ट्रैक्टर को ऐसे पकड़ रहे हैं जैसे कि उनके एक स्पर्श मात्र से ट्रैक्टर रुक जाएगा। अब जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में वीडियो दिखाया था वो पूरा देखो। अब इस महिंद्रा से रूबरू हो ही जाते हैं। भाई कांगला नी नसिया मर्दो नी भूमि से भाई, पैसा ना हो तो काई नी, पड़कारो तो आपना बाप नो आगो हो, इमा कोई नी भागीदारी नो। मामा ज्ञान मत देना, अगर शेर लंगड़ा है तो चूहा उसको काट। इस महिंद्रा को ना ही टायर की जरूरत है ना ही फ्रंट की। एवी ड्राइवर है तो गुजरात का, चलो कोई नहीं, आखिरकार एक गुजरात का एवी ड्राइवर मिला है। वैसे फ्रंट कैसे टूटी होगी वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, अगर आपने हमारे एक्सीडेंट सीरीज के सभी वीडियो देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि कैसे टूटती है फ्रंट। अब फ्रंट टूटने की बात आई गई है तो एक जॉन हिरन यानी कि हिरन यानी कि डियर होता है ना, जॉन डियर, चलो जॉन डियर का पूरा फ्रंट अलग हो गया है लेकिन पावर स्टीयरिंग फिर भी काम कर रहा है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग की लाइन अभी भी जुड़ी हुई है, वो नहीं टूटी है। जहां तक मुझे लगता है कि इसमें यह ट्रैक्टर फंस गया होगा और उसे निकालने के लिए दूसरा ट्रैक्टर आया और उसको फ्रंट से बांधा होगा, तो फ्रंट एक्सल ने मुंह मोड़ते हुए लैंडिंग कर दी। पता नहीं आजकल के ट्रैक्टर को क्या हो गया है, जॉन डियर की बिल्ड क्वालिटी वैसे तो अच्छी आती है। अब इस इंडो फार्म का काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ है, आप ही देखो, और इसके बारे में आपको जो लगता है वो कमेंट जरूर करें। अब ऐसा होने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि एक तो ओवरलोडिंग हो गया और दूसरा कि जैसा अभी हमने जॉन डियर के बारे में बात की, बिल्ड क्वालिटी। अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इंडोफार्म की बिल्ड क्वालिटी खराब है, लेकिन खैर छोड़ो, आप देख ही रहे हो, मतलब देखो ना आप इसकी रियल एक्सल देखो ना कैसे टूटी है, तो एक ये भी कारण हो सकता है बिल्ड क्वालिटी और ओवरलोडिंग। अब इस आयशर की वीडियो देखने के बाद आपको हंसी आ जाएगी। हम ड्राइवर लोगों का जीना क्या मरना क्या, आज तेरे दिल से निकल गए कल दुनिया से निकल जाएंगे। इसे देखने के बाद लगता है ना ट्रैक्टर ने ड्राइवर के साथ मजाक कर दिया, जैसे ही ट्रैक्टर थोड़ा झुका ड्राइवर ने तो उसका साथ तुरंत छोड़ दिया और फिर क्या ट्रैक्टर अपने आप निकल पड़ा। अब ये ट्रैक्टर कैसे चल रहा होगा आपको पता है, नहीं तो अगला वीडियो देखो।
भागा भागा। अब जैसे कोई खेत में पागल सांड घुसाया हो वैसे हो गया है ये, और लोग उसे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसे काबू में कैसे करें उसका आइडिया तो आपके मन में चल ही रहा होगा, तो जरा हमें भी बताइए कमेंट में। अब हमने पहले मैसी का एक पूरा ट्रक पलट गया था वो वीडियो दिखाई थी, वैसे यहाँ पर स्वराज के साथ ऐसा हुआ है। छह से सात ट्रैक्टर की बैंड बच गई है यहाँ पर, मरगाड़ बोनेट वगैरह में काफी नुकसान आया होगा। अब इस जॉन डियर को देखो, पता नहीं खाली ट्रैक्टर कैसे बेकाबू हो गया, हो सकता है कोई नया ड्राइवर चला रहा हो। महिंद्रा 275 XP प्लस यानी कि एक्स्ट्रा पावर, और एक्स्ट्रा पावर गया गड्ढे में वो भी ट्रॉली के साथ। ऐसे महिंद्रा की ये सीरीज XP प्लस काफी सक्सेसफुल रही है, एक्स्ट्रा पावर तो है ही साथ में माइलेज भी अच्छी है, काफी ट्रैक्टर बिकते हैं ये। अब जरा इस न्यू ऑलैंड पर नजर मार लो, इसके ना ट्रॉली के टायर ने दम तोड़ दिया है। अच्छा हुआ है किसी के ऊपर नहीं गिरा, वरना उस बेचारे का तो ना लेना ना देना, मुफ्त में गया पहला। अब इस महिंद्रा का वीडियो शायद आपने पहले भी देखा होगा। अब इसमें ड्राइवर को लगा होगा कि धसेगा नहीं, पांच से निकल लेता हूँ, लेकिन ट्रैक्टर में वजन कम तो होता नहीं है, और देखने में भी लगता है कि वहां पर लोग ताजा ताजा मिट्टी डाल रहे हैं और फिर ट्रैक्टर से सही कर रहे हैं। अब कुछ फनी वीडियो भी हो ही जाए। इंडिया में क्या चल रहा है? यार मैं तो देखिए धराएं पे काट रही हो हमको। इसमें साचा भी सोच रहे होंगे कि मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। अब महिंद्रा भी इसमें कहां पीछे रहने वाला है। अरे भाई साहब, गेट के अंदर ट्रैक्टर लेना था, गेट को अंदर नहीं लेना था। भाई साहब ने जैसे ही ट्रैक्टर उठाया उनको तो ब्रेक मारने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए गेट ने रीइंस्टॉल होने का मौका उनको दे दिया। अपने कई वीडियो में कारों को स्लिप मारते हुए घूमते हुए देखा होगा, पर अब ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली भी उनमें पीछे नहीं है। इस बिचारी ट्रॉली ने तो रास्ता ही बंद कर दिया ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना हो। ऐसे ये सब हम मजाक में देखते हैं, लेकिन जिसका नुकसान हुआ होता है उनको ये पता होता है। अब ये देखकर जॉन डियर की ट्रॉली को भी थोड़ा बुरा लग जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको इसका पार्ट 10 चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट या पार्ट 10 लिखना ना भूले, और जैसा हमने पहले तय किया था अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक करना ना भूले। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले शनिवार को एक और नई वीडियो में।